शांति। आज की तारीख है 16/8/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक, मीठे बच्चे तुम्हें पवित्र रहने का व्रत लेना है, बाकी निर्जल रखने, भूख हड़ताल आदि करने की कोई जरूरत नहीं। पवित्र बनो तो विश्व का मालिक बन जाएंगे। प्रश्न है, इस समय दुनिया में सबसे अच्छे कौन हैं और कैसे? उत्तर है, इस दुनिया में इस समय सबसे अच्छे गरीब हैं, क्योंकि गरीबों को ही बाप आकर के मिलते हैं। शाहूकार तो इस ज्ञान को सुनेंगे ही नहीं। बाप है ही गरीब निवास, गरीबों को ही साहूकार बनाते हैं। गीत बजा है, आज के इस इंसान को ये क्या हो गया, इसका पुराना प्यार कहाँ पर खो गया। धारणा के लिए मुख्य सार के दो धारणा बिंदु। नंबर एक, नॉलेज को धारण करने के लिए दिल बड़ी साफ रखनी है, सच्ची दिल से बाप की सेवा में लगना है, सेवा में कभी भी थकना नहीं है। नंबर दो, वायदा करना है क्या, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, देह सहित देह के सब झूठे संबंध छोड़कर एक से सर्व संबंध जोड़ने हैं और गरीबों को ज्ञान धन का दान देना है। वरदान मीठे मीठे बाप दादा का, भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति से सदा खुश रहने और खुशियों को बांटने वाले सहज योगी भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, संगम युग खुशियों का युग है। अभी जो युग चल रहा है हम कहेंगे संगम युग, परंतु जिन्होंने बाप को जाना नहीं, पहचाना नहीं है, वो कहेंगे घोर कलह युग चल रहा है। तो संगम युग खुशियों का युग है, मौजों का युग है, तो सदा खुशी में रहो और खुशियां बांटते रहो। भाग्य और भाग्य विधाता सदा याद रहे, बाप मिला सब कुछ मिला, ये स्मृति ही सहज योगी बना देती है। दुनिया वाले कहते हैं कि कष्ट के बिना परमात्मा नहीं मिल सकता, और आप कहते हो घर बैठे हमको बाप मिल गया, जो सोचा नहीं था वो मिल गया, तो खुशियों का सागर मिल गया। इस खुशी में रहो, यह भी सहज योग है। स्लोगन है, शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य को करने वाले सच्चे सच्चे ब्राह्मण भव। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।